रहीम कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर लेक्चर 74। आज हमने इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस। स्टार्ट करते हैं। हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सिस्टम बसेस की डेफिनेशन कि सिस्टम बसेस कौन सी होती हैं जो मेन मेमोरी सीपीयू के साथ रिलेट करती हैं, डिफरेंट जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ जो इंटरेक्ट करती हैं तो उनको हम क्या कहेंगे। जैसे स्टोरेज डिवाइसेस के साथ जो कम्युनिकेट करती हैं जैसे हार्ड डिस्क के साथ या रैम कैश मुख्तलिफ मेमोरीज हैं रोम उनके साथ जो कम्युनिकेट करने के लिए डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो वायर्स होती हैं उनको हम सिस्टम बसेस कहते हैं। इसकी तीन टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो है उसे हम क्या कहेंगे डाटा बस। ऐसी पैरेलल लाइंस जिसकी मदद से डाटा कम्युनिकेट हो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। कंप्यूटर में इंटरनल एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जो जिस पैरेलल वायर्स की मदद से डाटा कम्युनिकेट होता है उसको हम कहेंगे डाटा बसेस। डाटा बसेस में एक तो ये आ जाता है कि जितना साइज़ ज़्यादा होगा जितनी पैरेलल लाइन ज़्यादा होंगी उतना उस में डाटा का फ्लो ज़्यादा होगा उतना कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होगी। जैसे अगर 8 वायर्स हैं तो उसमें से 8 बिट डाटा एट ए टाइम ट्रेवल करेगा 1 बाइट डाटा ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर 16 वायर्स हैं तो 2 बाइट डाटा एट ए टाइम ट्रेवल करेगा तो उस कंप्यूटर की स्पीड दूसरे पहले से डबल हो जाएगी क्योंकि 2 बाइट एट ए टाइम डाटा ट्रेवल कर रहा होगा। इसी तरह अगर 32 लाइंस हैं तो उतना ही 4 बाइट डाटा एट ए टाइम ट्रेवल करेगा तो उसकी स्पीड और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। 64 लाइंस हैं पैरेलल जो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए तो और ज़्यादा स्पीड फास्ट। तो कंप्यूटर की स्पीड का इनसार जहाँ पर प्रोसेसर मेन मेमोरी और उस पर होता है वहाँ पर डाटा बस पर भी होता है कि जितनी डाटा बस ज़्यादा होगी उतना ही कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होगी। एक इसमें जितना भी इंस्ट्रक्शन रैम एग्जीक्यूट करती है जितना भी इंस्ट्रक्शन सीपीयू एग्जीक्यूट करता है उससे रिलेटेड डाटा जो फेच किया जाता है वो मेन मेमोरी से फेच करता है तो वो उन डाटा बसेस की मदद से ही ट्रांसफ़र होती है। इसको हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं। बाई डायरेक्शनल से मुराद क्या है डाटा ऑन बोथ साइड ऐसी पैरेलल लाइंस जिसमें से डाटा बोथ साइड पर ट्रैवल कर सकें उसको हम बाई डायरेक्शनल कहेंगे। जैसे अगर सीपीयू रैम से डाटा फेच कर रहा है तो रैम से सीपीयू की तरफ डाटा का फ्लो होगा। सीपीयू अगर डाटा भेज रहा है रैम की तरफ तो फ्लो सीपीयू टू मेन मेमोरी या रैम की तरफ होगा। तो इस वजह से ऐसी पैरेलल लाइंस को आप क्या कहेंगे बाई डायरेक्शनल। जैसे हार्ड डिस्क के साथ जो डाटा केबल कनेक्ट होती है जो डाटा बस है वो बाई डायरेक्शनल है क्योंकि हार्ड डिस्क में डाटा आप जब भी स्टोर कर रहे होते हैं तो मेन मेमोरी टू हार्ड डिस्क उसका फ्लो होगा। जब हार्ड डिस्क से डाटा फेच कर रहे होंगे तो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी की तरफ डाटा का फ्लो होगा। तो इसमें पहला पैराग्राफ इसका अगर देखें तो डाटा बस इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। फॉर एग्जांपल इट ट्रांसफर्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। इट आल्सो ट्रांसफर डाटा बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन या उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं उनके लिए ये डाटा बस उसमें यूज़ होती है। सेकेंड पैराग्राफ में द नंबर ऑफ लाइन्स इन डाटा बस अफेक्ट द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ लाइन्स इन द डाटा बस अफेक्ट द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। जितना डाटा बस की विड्थ ज़्यादा होगी उतना कंप्यूटर की स्पीड फास्ट होगी। कि जैसे अब अगर हम लेते हैं अभी जैसे कोई मिसाल दी है उसमें कि 32 बिट हैं तो उसमें 32 लाइंस हैं तो उसमें से 32 बिट एट ए टाइम ट्रांसफ़र हो रहा है या 4 बाइट एट ए टाइम ट्रांसफ़र हो रहा है। इसी तरह अगर 64 लाइन है तो उसमें से 64 बिट या 8 बाइट्स क्योंकि एक बाइट में 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। द डाटा बस लाइंस आर बाई डायरेक्शनल और नीचे बाई डायरेक्शनल को दो पॉइंट में डिस्कस किया हुआ है कि बाई डायरेक्शनल क्या होता है कि डाटा जिसमें बोथ साइड पर ट्रांसफ़र हो। सीपीयू कैन रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी यूजिंग दीज लाइंस कि मेन मेमोरी से डाटा सीपीयू रीड कर सकता है तो उस वक्त
जब रीड करेगा तो फ्लो जो डाटा का होगा वो मेन मेमोरी टू सीपीयू होगा। इसी तरह सीपीयू कैन राइट डाटा टू मेन मेमोरी, तो उस वक्त फ्लो सीपीयू टू मेन मेमोरी होगा, तो उसमें डाटा राइट हो रहा होगा। सेकंड इसमें जो टाइप है वो है हमारे पास एड्रेस बस। एड्रेस बस जब भी सीपीयू डाटा रीड करता है या राइट करता है मेन मेमोरी से, तो उस वक्त उसका वो मेमोरी एड्रेस जनरेट करता है। मेमोरी एड्रेस हर एक बाइट का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि हेक्साडेसिमल में होता है, नंबर में। रैम के अंदर जितने भी बिट्स हैं, ये रैम का आप आर्किटेक्चर पढ़ चुके हैं मेन मेमोरी का, कि उसमें जितना भी डाटा स्टोर होता है उसके लिए बिट्स और बाइट्स की फॉर्म में, बाइट की फॉर्म में आर्किटेक्चर बना होता है। हर बाइट का एक यूनिक आईडी है, जब भी डाटा रीड करना हो या राइट करना हो तो उसके लिए वो मेमोरी एड्रेस ट्रांसफ़र करता है। एड्रेसेस जिन वायर्स की मदद से ट्रांसफ़र होते हैं उन वायर्स को हम कहेंगे एड्रेस बस। ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं। सीपीयू हमेशा, ये इसका फ्लो जो होता है एड्रेस का, वो सीपीयू टू मेन मेमोरी होता है, मेन मेमोरी टू सीपीयू नहीं होता। क्योंकि देखें, सीपीयू ने डाटा राइट करना है मेन मेमोरी में, तो सीपीयू डाटा के साथ वो एड्रेस ट्रांसफ़र करेगा कि जिस एड्रेस में वो डाटा स्टोर होना है। अगर सीपीयू ने रीड करना है डाटा, तो रीड करने के लिए भी सीपीयू एड्रेस भेजेगा मेन मेमोरी से, उस एड्रेस से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा, एड्रेस ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक, तो उसमें हमेशा ये क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में, और वो डायरेक्शन कौन सी होती है, सीपीयू टू मेन मेमोरी। जितना ये एड्रेस बस का साइज़ होगा उतनी बड़ी हार्ड बड़ी रैम आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिज़िकल, जैसे अगर इसमें 32 बिट एड्रेस बस है तो उसमें 4 GB तक रैम उसके साथ कंपेटेबल होगी। इससे अबव है 64 है तो और ज़्यादा आप हार्ड उसमें रैम जो है कनेक्ट कर सकते हैं, फिज़िकल मेमोरी लगा सकते हैं। मैनी कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन एनदर थ्रू बसेस। ईच कंपोनेंट इज असाइंड अ यूनिक आईडी, दिस आईडी इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट, उसका एड्रेस होगा। इफ़ अ कंपोनेंट वांट्स टू कम्युनिकेट विद अनदर कंपोनेंट, जब से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, तो उसका एड्रेस ट्रांसफ़र होगा। हर कंपोनेंट का एक यूनिक एड्रेस है, हर बाइट का एक यूनिक एड्रेस है मेमोरी का। इट यूजेस एड्रेस बस टू स्पेसिफाई द एड्रेस बस टू एड्रेस बस ऑफ दैट कंपोनेंट। द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल, इट कैन कैरी इंफॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि विच वन सिस्टम बस ट्रांसफर डाटा यूनिडायरेक्शनल, या विच वन सिस्टम बस इज़ यूनिडायरेक्शनल। तो उनमें से सिर्फ एड्रेस बस जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं, बाकी दोनों जो हैं वो बाई डायरेक्शनल होती हैं। इट कैरीज एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेन मेमोरी। सेकेंड पैराग्राफ में अगर देखें तो इसमें नंबर ऑफ लाइन इन द एड्रेस बस डिटरमिन द अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस, कितनी मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे 32 बिट एड्रेस बस अगर होगी तो 4 GB तक रैम उसके साथ कंपेटिबल होगी। थर्ड इसमें आ जाता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कौन सी होती है कि जिसकी मदद से कमांड सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं। सीपीयू जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहता है तो साथ में कमांड्स भेजता है, एक्शन के लिए कमांड भेजता है। अब वो रैम के साथ, जैसे उसमें तो रैम के साथ कमांड्स कौन सी भेजेगा, मेमोरी रीड मेमोरी राइट। इसी तरह इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड इनपुट आउटपुट राइट इनपुट आउटपुट रीड, ये मुख्तलिफ कमांड। तो जो कमांड्स ट्रांसफ़र करता है कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है, देखें तीन चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, डाटा एड्रेस एक्शन या कमांड। कि डाटा जिस पर एक्शन परफॉर्म होना है, एड्रेस जहाँ पर उसको स्टोर करना है, और एक्शन क्या है कि डाटा रीड करना है या राइट करना है। ठीक, तो उससे रिलेटेड जो कमांड्स ट्रांसफ़र होती हैं वो कमांड कंट्रोल बस की मदद से होती हैं। कंट्रोल बस में जब कमांड ट्रांसफ़र करता है तो वो एक्शन परफॉर्म करके उसका एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी भेजता है कंप्यूटर की तरफ, ताकि पता चल सके कि ये मैंने एक्शन परफॉर्म कर लिया है।
जैसे आप उसकी मिसाल इस तरह ले लें कि जैसे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करते हैं तो मैसेज जब सेंड हो जाता है उसके बाद आपके पास मैसेज के साथ एक टिक का साइन हो जाता है, जब वो रिसीव कर लेता है तो दो टिक के साइन बन जाते हैं, जब वो व्यू कर लेता है तो वो कलर उसका ब्लू हो जाता है या डिफरेंट कलर में आ जाते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि दूसरे बंदे ने वो मैसेज रीड कर दिया है। तो वो असल में एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आपकी डिवाइस की तरफ ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। इसी तरह कंट्रोल बस में जब डाटा रैम के अंदर स्टोर कर लेता है या हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेता है तो वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है कि मैंने वो एक्शन परफॉर्म कर लिया है। इसमें इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंट्रोल बस इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स आर कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक कंट्रोल को ट्रांसफर करेगा। सपोज सीपीयू वांट टू रीड डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी, इट विल यूज़ कंट्रोल बस टू सेंड द मेमोरी रीड कमांड। मेमोरी से डाटा रीड करना है तो रीड कमांड, राइट करना है तो राइट कमांड। इट विल यूज सेंड मेमोरी रीड कमांड टू मेन मेमोरी कंप्यूटर। द कंट्रोल बस इज ऑल्सो यूज टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल लाइक ए सी के एस। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स, अ कंट्रोल सिग्नल कंटेन द फॉलोइंग। क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो टाइमिंग इन्फॉर्मेशन कि कितनी देर के लिए उस डिवाइस को यूज़ किया गया। इट स्पेसिफाइज द टाइम फॉर विच अ डिवाइस कैन यूज डाटा एंड एड्रेस बस। सेकेंड, इसमें कमांड सिग्नल कि कौन से कमांड सिग्नल उसमें। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, क्या कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसकी कमांड्स वो ट्रांसमिट कर। आगे इसकी एग्जांपल एक दी हुई है। सपोज दैट सीपीयू गिव्स अ कमांड टू मेन मेमोरी टू राइट डाटा। अगर हमने राइट डाटा करना है तो सीपीयू क्या करेगा, कमांड भेजेगा मेन मेमोरी को। मेन मेमोरी सेंड्स एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू सीपीयू आफ्टर राइटिंग डाटा सक्सेसफुली। जब देखें, जब डाटा अगर हम सीक्वेंस देखें तो सीपीयू ने कोई डाटा राइट करना है मेन मेमोरी में, सीपीयू क्या करेगा कि डाटा बस में वो डाटा ट्रांसमिट करेगा, एड्रेस बस में एड्रेस ट्रांसफ़र करेगा कि किस एड्रेस में स्टोर करना है, और कंट्रोल बस में राइट मेमोरी राइट की कमांड भेजेगा। अब ये तीनों चीज़ें पैरेलल लाइन में ट्रांसमिट होकर मेन मेमोरी में पहुँची। मेन मेमोरी में कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि उसको उस एड्रेस पर उस डाटा को स्टोर करेगा और एक्नॉलेजमेंट भेजेगा किसको, सीपीयू को, कि मैंने वो डाटा राइट कर लिया। तो इसमें सीपीयू रिसीव्स द सिग्नल एंड देन मूव्स टू परफॉर्म सम अदर एक्शंस। जैसे यहाँ पर इमेज है तो इसमें सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, यह डिवाइसेज हैं। तीनों बसेज हैं, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस। अब इसमें कंट्रोल बस बाई डायरेक्शनल है, उसमें एरो का साइन देखें कि ऑन बोथ साइड है। सीपीयू से अगर तीनों बसेस को अगर आप देखें तो कंट्रोल बस डबल एरो साइन है, एड्रेस बस सीपीयू टू एड्रेस बस है तो इसमें सिंगल है। इसी तरह डाटा बस है तो उसमें भी ये डबल एरो साइन। इसी तरह अगर आप एड्रेस बस को अगर देखें तो मेमोरी की तरफ ये सिंगल है एरो है, बाकी उसमें तो सीपीयू से मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक डाटा इस तरह कम्युनिकेट होता है। तो यहाँ तक आप ये करेंगे, नेक्स्ट फिर आगे हम आगे फर्दर टॉपिक होंगे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।